मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में प्रदेश के सभी सरपंचों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा था, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक पंचायती राज स्थापित नहीं कर पाई है और अब चुनाव आते ही मुख्यमंत्री नई नई घोषणाएं करने लगे हैं। कांग्रेसी सरकार ने पहले ही सरपंचों सहित जिला पंचायत अध्यक्ष व जनपद अध्यक्ष के अधिकारों को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन शिवराज सरकार ने अभी तक उनके अधिकारों को दिया नहीं है। पंचायती राज के सभी अधिकार सरकार ने छीन लिए हैं, अब सिर्फ मानदेय बढ़ाने से क्या होता है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। प्रशिक्षण बुलाया गया था, जो मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी, जो लेटर जारी किया था उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन में प्रदेश की 23,012 पंचायतों के सरपंच, 52 जिला पंचायतों और 313 जनपद पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रशिक्षण निर्धारित 9 थीम, जो 9 विषय प्रशिक्षण देने वाले थे, गरीबी उन्मुख और आजीविका उन्नत पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाढ़ हितैषी पंचायत, जल संतृप्त पंचायत, स्वस्थ और हरित पंचायत, आधारभूत संरचना वाली पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण किसने दिया? 2 घंटे में पूरा आयोजन खत्म। एक व्यक्ति ने पूरा प्रशिक्षण दिया और उनका भाषण सुन सुन के प्रदेश की जनता को पहले से पक चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।